मिल्ला हो, एक बहुत बड़ी मंडी बन रही थी एक्सप्रेसवे के किनारे जिला मैनपुरी में करहेल विधानसभा। वो मंडी आज भी अधूरी है, पूरी नहीं होने दी सरकार ने। जो मंडी की व्यवस्था थी वो चौपट कर दी। किसान की पैदावार की आय दोगुनी का वादा किया, उनकी फसल की पैदावार की आय तो नहीं दोगुनी हुई, लेकिन डीजल पेट्रोल और जरूरत की सामान की महंगाई दुगनी हो गई। नौकरी रोजगार है नहीं, पुलिस भर्ती कर नहीं पा रहे, फौज में भर्ती कर नहीं पा रहे। मुझे याद है फौज के एक वरिष्ठ अधिकारी हमारे साथ हेलीकॉप्टर से यहाँ आए थे, और यही भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली के लोगों ने उनके साथ अन्याय किया, नहीं तो आज यहाँ पर लगातार पुलिस की भर्ती हो रही थी। ये मच्छर देखो खा जा रहा है, डेंगू ना हो जाए। हाँ, तो ये लगातार फौज की भी भर्ती होती है। कहाँ हो रही फौज की भर्ती बताइए? सबसे ज़्यादा जवान ही आसपास के लोग हैं। तो ये जो बीजेपी के लोग और बीजेपी के अलायंस लोग, बीजेपी पॉलिटिकल आउटफिट है आरएसएस की। जैसे प्रकोष्ठ होता है, आरएसएस का प्रकोष्ठ है बीजेपी, इसलिए उसमें ध्यान नहीं देना है। असली मुद्दे हैं विकास के, असली मुद्दे हैं बेरोजगारी के, असली मुद्दे हैं रोजगार के। आप बताइए, राष्ट्रीय संपत्ति बेची जा रही है, जो राष्ट्र को कहते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारा राष्ट्र सबसे ऊपर है। जो लोग ये दावा करते थे झूठा, आज तो उनकी पोल खुल गई। आपको एयरपोर्ट खरीदना हो तो पैसे ले आओ, पानी का जहाज खड़ा करने वाला पोर्ट चाहिए तो पैसे ले आओ, रेलवे ट्रैक खरीदनी हो तो पैसा ले आओ, रेलवे की सब जमीन बेच दी, बड़ी बड़ी कंपनियां बेच दी, टेलीफोन की कंपनियां बेच दी, लाइन बेच दी, ट्रांसमिशन लाइन बेच रहे हैं, और आने वाले समय में सब स्टेशन बिक जाएगा, तुम्हारी गली मोहल्ले के तार बिक जाएंगे, और बाद में बिल आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। सर ये रामायण सम्मेलन कर रही है, क्या कहेंगे सर? ये जो सम्मेलन कर रहे हैं ये सब झूठे सम्मेलन हैं, असली मुद्दों के सम्मेलन नहीं करेंगे। ये बताएं कि इनके संकल्प पत्र का कौन सा काम पूरा हो गया। जब इनका भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र उठाएंगे तो पहले पन्ने पे लिखा है कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, और दूसरे पन्ने पे लिखा है कि उत्तर प्रदेश में डेयरी को लेकर के नई योजना बनाएंगे जिससे डेयरी को बढ़ावा दे सकें और ग्रामीण और गाँव की अर्थव्यवस्था को बेहतर कर सकें। ये दोनों पन्ने फाड़ दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र कूड़ेदान में फेंक दिया, इसलिए चुनाव से पहले अलग अलग मुद्दे उठा रहे। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात कही गई है, इस पे आपका क्या कहना है? वो तो कोर्ट ने कहा है तो इसके लिए कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन गाय माँ का सम्मान होना चाहिए, और वहीं गंगा मैया को भी साफ होना चाहिए। मान लीजिए यमुना नहीं साफ होंगी तो गंगा कैसे साफ हो जाएंगी? चंबल साफ नहीं होगी तो कैसे साफ होगी? आपकी बगल में मान लीजिए जो नदी जा रही है, ईसन नदी है, एक अनैया शुरू होती है यहाँ से, तो अगर इन नदियों में शहर का नाला चला जाएगा, गंदगी चली जाएगी, तो बताइए कैसे सफाई होगी गंगा की? अंतोगत्वा ये भी पानी तो गंगा ही में जा रहा है। मान लीजिए आपकी नदी है यहाँ से शुरू हुई, किसी न किसी नदी में मिलती होगी, फिर आगे और मिलती होगी, अगर ऊपर और चले जाओ इधर की तरफ गंगा की तरफ, तो आपको काली नदी मिलेगी, बताओ कितनी साफ हो गई। सर एक, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी से बचो, इनके झूठ से बचो, इनके झूठे प्रचार से बचो। देश की और दुनिया की सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। असर चुनाव के सिर्फ रह गए, हिंदुत्व का ऐसा मुद्दा बीजेपी लेके आएगी, बाकी सब पार्टियों, अरे आप भी हिंदू, आप भी हिंदू, हम भी हिंदू, अरे सुनिए आप भी हिंदू हम भी हिंदू, ये जितने आए हैं अभी घर में अगरबत्ती जला के आए होंगे, हम तो जला के आए, भाजपा ही कहीं अगरबत्ती नहीं जलाते, ये केवल नफरत फैलाते हैं। असर आखिरी सवाल, कृपाल जी अक्सर कहते हैं कि मैं अखिलेश जी से समय मांगता हूँ, समय नहीं मिलता है, और हम तो उनके साथ आना चाहते हैं, आप इस पर क्या कहते हैं? ठीक है, मैं कई बार सफाई दे चुका हूँ, कई बार इस पर बात रख चुका हूँ, उनका छोटा दल है, उनका भी एक दल है, उस दल के लिए समाजवादी पार्टी सीट छोड़ेगी, उनका पूरा सम्मान होगा, बातचीत फोन पे भी हुई है। थैंक यू। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।